हेलो दोस्तों, यह वार्ड हमारा का दूसरा वीडियो है। यदि आप लोग पहला वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल में जाकर उस वीडियो को अवश्य देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, उ संयुक्त स्वर नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? तो कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? ऑप्शन नंबर डी, ए कंठ तालव्य है। अगला प्रश्न है, ए और ए का उच्चारण स्थान है, तो इसका उच्चारण स्थान कहाँ पर होता है? कंठ तालव्य। राइट आंसर कंठ तालव्य होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? तो कौन से शब्द में अनुनासिकता है? ऑप्शन नंबर सी, संभालना में अनुनासिकता है। ठीक है, संभालना। अगला प्रश्न है, अनुनासिक स्वर वाला शब्द है, अनुनासिक स्वर वाला शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी, पाँव। राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कौन से शब्द में अनुनासिक है? कौन से शब्द में अनुनासिक है? ऑप्शन नंबर सी, कर्णिका में अनुनासिक है। अगला प्रश्न है, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं, तो स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, मात्रा कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है, उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्वर किसका भेद है? स्वर किसका भेद है? ऑप्शन नंबर सी, वर्ण का भेद है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, समरूप। ठीक है, समरूप कहते हैं। अगला प्रश्न है, ओ औ किस प्रकार के वर्ण है? ओ औ किस प्रकार के वर्ण है? तो कंठोस्तिया है, कंठोस्तिया। अगला प्रश्न है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो ऑप्शन नंबर डी, ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, कंठ तालव्य कौन सा है? कंठ तालव्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, ए आय कंठ तालव्य वर्ण है। अगला प्रश्न, ये के उच्चारण स्थान का नाम है? तो ये के उच्चारण स्थान का नाम है? ऑप्शन नंबर डी, कंठ तालव्य है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, स्वर ए ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कर्णिका। नेक्स्ट प्रश्न है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, तो याद रखना, मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है? तो वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है? तो स्वर है। ठीक है, इसका राइट आंसर स्वर है। नेक्स्ट प्रश्न, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? निरुनुनासिक स्वर है। क्या स्वर है? निरुनुनासिक स्वर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, स्वर ध्वनि के प्रकार है, स्वर ध्वनि के प्रकार है, तो स्वर ध्वनि के प्रकार क्या क्या है? दीर्घ स्वर भी है, प्लुत स्वर भी है और ह्रस्व स्वर भी है। इसलिए इसके सही उत्तर होगा उपयुक्त 3 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी की अग्र अवृत्ताकार संवृत स्वर ध्वनि है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ई इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक स्वर नहीं है? इनमें से कौन सा एक स्वर नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, र, व्यंजन है। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के अ और आ स्वर है? तो इसका सही उत्तर है कंठ्य। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? कंठ्य। नेक्स्ट प्रश्न आपका, व्यंजन से संबंधित प्रश्न है, व्यंजन से संबंधित, तो ये प्रश्न है,
घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान कौन से है? तो घ का उच्चारण स्थान कर्ण से होता है। कहाँ से होता है? कर्ण से। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी अ कंठ वर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कंठ वर्ण है तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अ ह और विसर्ग, ये कंठ वर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कंठ ध्वनिया कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए क ख कंठ ध्वनिया है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनिया है, निम्नलिखित में हिंदी की कंठ ध्वनि है, तो ऑप्शन नंबर डी ख कंठ ध्वनि है। अगला प्रश्न है आपका, च छ झ झ य का उच्चारण स्थान होता है, तो इसका उच्चारण स्थान कहाँ पर होता है? ऑप्शन नंबर सी तालु से होता है। पहले क्या होता है? कंठ होता है, तालु होता है, मूर्धा होता है, दंत होता है और ओष्ठ होता है। तो इसमें च छ झ झ य का उच्चारण स्थान कहाँ होता है? तालु से होता है। ठीक है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तो ऑप्शन नंबर सी छ का उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, स का उच्चारण स्थान है, स का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तालु से होता है। तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके नेक्स्ट के प्रश्न को अगले वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।